भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किया सम्मान, बच्चों को किए फल वितरित। जाड़ोल भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाजपा द्वारा प्रदेश भर में आयोजित सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत पोषण अभियान कार्यक्रम जाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के जाड़ोल फलाशिया ओगणा मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगी सहायिकाओं को जाड़ोल भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलमराज पुरोहित, मंडल महामंत्री शंकरलाल गई के सानिध्य में अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल, महिला मोर्चा जिला मंत्री नीतू राव के नेतृत्व में पोषण अभियान की विधानसभा संयोजक महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष चित्रलेखा मेहता, विधानसभा सहसंयोजक लक्ष्मी देवी लोहार फलाशिया, जाड़ोल महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष गीता वडेरा, फलाशिया महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कृष्णा सोनी, ओगणा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूर्व सरपंच कृष्णा देवी के सानिध्य में उपन्ना उड़ाकर सम्मानित किया गया एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित बच्चों को फल मिठाई वितरित की। इस दौरान जाड़ोल महिला मोर्चा मंडल महामंत्री सरोज देवी सोनी, महिला मोर्चा मंडल कोषाध्यक्ष रेखा मेहता, जाड़ोल सरपंच आशा देवी वडेरा सहित महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। मघवास में तंबाकू रोकथाम हेतु विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मघवास में मंगलवार को तंबाकू उत्पादन एवं नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करने हेतु विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में संस्था प्रधान सुषमा वर्मा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। छात्रों को तंबाकू उत्पादन एवं नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव एवं रोगों के बारे में बताया गया। गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में CMHO ने ली खंड स्तरीय समीक्षा बैठक। विभागीय योजनाओं के सतत क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा हेतु आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कराड़ी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोगुंदा पर आयोजित खंड स्तरीय बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। बैठक में RCHO डॉक्टर अशोक आदित्य, DPM सकाद अहमद, BCMHO डॉक्टर राम सिंह मीणा, चिकित्सा संस्थान प्रभारीगण ANM CMHO सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान DPM कल्पना बरोटिया ने विभागीय योजनाओं की संस्थावार रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने प्रथम 12 सप्ताह में ANC का रजिस्ट्रेशन करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी गर्भवती महिला दस्तावेज के अभाव में पंजीकरण से वंचित न रहे, इसके लिए संबंधित आशा ANM उसके दस्तावेज बनवाने में मदद कर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें एवं नियमित फॉलोअप कर स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाकर प्रसव पूर्व सभी जांचें एवं सोनोग्राफी करवाकर सुनिश्चित करें। फ्लैगशिप योजना की समीक्षा करते हुए CMHO डॉक्टर दिनेश कराड़ी ने कहा कि आपके ब्लॉक में विभागीय फ्लैगशिप योजना की जानकारी हर आमजन को होनी चाहिए। इसके लिए सेक्टर बैठकों में इन योजनाओं पर चर्चा कर इनके प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन के बारे में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। डॉक्टर खराड़ी ने मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में ब्लॉक के अंतर्गत शेष रहे परिवारों का शीघ्र पंजीयन करवाने के लिए निर्देश दिए। निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर दवा पर्ची का इंद्राज OPD शुरू होने के आधे घंटे के अंदर शुरू करने के साथ नियमित रूप से 100% पर्चियों का इंद्राज करें। RCHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने RCH कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए राजश्री योजना, जननी सुरक्षा योजना में समय पर भुगतान करने, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांचों सहित योग्य दंपतियों का सर्वे कर उनको सुगमता से परिवार कल्याण के साथ साधन उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। CMHO की व्यवस्थाओं पर जतायी संतुष्टि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोगुंदा के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को लेकर CMHO डॉक्टर दिनेश कराड़ी ने संतुष्टि जताते हुए इसे नियमित रूप से बरकरार रखने को कहा। उन्होंने कहा कि साधारण वार्ड, NC वार्ड, मेल फीमेल वार्ड, लेबर रूम इत्यादि में साफ सफाई से लेकर MNDY MNJY के अंतर्गत मरीजों को लाभ देने एवं भर्ती मरीजों का चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पैकेज दूर करने के लिए निर्देश दिया।